अरे अर्थ के मून, जरा मेरी बात सुन। सच कहूं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये वीनस आखिर अर्थ की इतनी सेवा क्यों कर रहा है। हाँ, समझ नहीं आ रहा। खैर, मैं भी उनकी बातें सुन नहीं पाया क्योंकि ये सब दिन में हुआ था, लेकिन वो दोनों वीनस के नाम पर उसके असली मतलब की बातें कर रहे थे। मतलब ये इतना शर्मनाक है कि वो इसलिए अर्थ की सेवा के लिए तैयार हो गया। हाँ, मुझे लगता है अर्थ इस राज को छिपाने के लिए वीनस को ब्लैकमेल कर रहा है। ओहो, अब तो मैं इस राज को जानना चाहता हूँ, पर ये दोनों कुछ बताएंगे थोड़ी। हेलो एस्ट्रो डूड। डरा दिया। ओह हे, हाय प्लैनेट्स, कैसे हो? अच्छा, अब तो तुम्हें तो अंतरिक्ष के बारे में सब पता है ना, तो क्या तुम हमें वीनस के नाम का मतलब बता सकते हो? क्या आप सब मुझे धमका रहे? नहीं तो क्या? चुप रहो। तुम्हारा नाम प्यार और सुंदरता की रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया था। क्या? तुम्हें ये बात? मैंने कुछ नहीं बताया। एस्ट्रो ठीक है, घबराओ मत एस्ट्रो डूड, तुम सिर्फ बादलों के बीच से जा रहे हो जिसमें है जहरीली सल्फर डाइऑक्साइड। कहाँ चला गया वो एस्ट्रो डूड? कहाँ है बोलो? तुम तो बिल्कुल उससे टकराने ही वाले थे वीनस। अच्छा, तो वो मर गया क्या? हाँ, हो सकता है। नॉट कूल वीनस, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ओह शुक्र है, मैं समय रहते यहाँ पहुँच गया। अब मुझे बस इस शिप से बाहर निकलना सिस्टम है। फेलियर इन। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और क्या चल रहा है? हमारा एस्ट्रो ड्यूड कैसा है? एस्ट्रो ड्यूड वीनस में क्रैश हो गया सर जी। लगता है काम पर एक और मजेदार दिन। एस्ट्रो ड्यूड, क्या तुम जिंदा हो? एस्ट्रो ड्यूड, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, कोई है? अगर तुम मर गए तो मेरी नौकरी। मैं ठीक हूँ सर, बस मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और अब मैं वीनस पर फंसा हुआ हूँ। मुझे इस बारे में पता है। हा? मुझे अपने वकील से बात करनी होगी। अरे रुकिए सर, आपके कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब तुम्हारा काम हो गया है एस्ट्रो डूड। सच कहूँ तो मुझे लगता था कि तुम मेरे काम के हो, लेकिन तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। सर मैं अभी भी जिंदा हूँ। ओके, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, आप देख लेना। ओके डूड, तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं भी कहाँ फंस गया यार। सर हमें उसे बचाना चाहिए ना? और वहाँ और लोग भेज दे ताकि वहाँ पर लाशों का ढेर लग जाए। ये बॉल डेमन की मार्शियन मूवी नहीं है, समझे? हम एक रोबोट बना सकते हैं। खैर 1960 में सोवियत्स ने भी इसकी कोशिश की थी। तुमने वेनेरा मिशन के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने वीनस की सतह पर कई रोबोट्स भेजे थे जो कुछ मिनटों के लिए तो जानकारी भेज पाए, लेकिन फिर वीनस के खतरनाक वातावरण ने उन्हें तबाह कर दिया। लेकिन सर जी ये 60 साल पुराने कोई रोबोट्स नहीं। कंप्यूटर मुझे शिप के स्टेटस के बारे में बताओ। रॉकेट के पंप्स को नुकसान पहुंचा है, टेक ऑफ के लिए उन्हें ठीक करना होगा। ये तो बताओ मैं ये कैसे करूंगा? ये आप बताओ। ओके, मुझे इसे ठीक करना होगा। वीनस की सतह इतनी भी बुरी नहीं है ना? वैसे मुझे लगता है कि एसिड रेन सतह पर पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाती है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, काश एस्ट्रोनॉट स्कूल में मैंने वीनस के लेक्चर्स पर और ध्यान दिया होता। बॉस सच तो नहीं कह रहे थे कि मैं यहाँ फंस गया हूँ? ओह हे, स्पेस का सुनापन कैसा लग रहा है? सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। हे हनी, खैर एक क्विक अपडेट। फिलहाल मैं स्पेस में नहीं हूँ, एक्चुअली मैं वीनस पर फंस गया हूँ, और ये कह सकते हैं कि मेरा ह्यूस्टन से संपर्क टूट गया है। वीनस? लेकिन वो प्लैनेट तो बहुत ही खतरनाक है ना? खैर अब मैं उसी पर हूँ और पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम बिजी हो तो। दरअसल मुझे यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? ओके, तो मेरे सर्च के हिसाब से वीनस का तापमान 870 डिग्री फारेनहाइट तक जा सकता है। इतने में तो लेड भी पिघल जाएगी। अच्छा, शुक्र है मेरा शिप इसका सामना कर सकता है और एसी भी फिलहाल काम कर रहा है। रात के बारे में बताओ ना, मैं यहाँ पर उनका इंतजार कर। कुछ भी, वीनस का एक दिन अर्थ के 243 दिन जितना होता है, और अगर तुम तब तक इंतजार भी करोगे तो भी तापमान उतना ही रहने वाला है। बादल गर्मी को बाहर निकलने ही नहीं देते, तो कह सकते हो तुम एक ओवन के अंदर हो। खैर ये तो अच्छी खबर नहीं है। और नहीं तो क्या? ठीक है, कुछ और जानकारी है? वैसे सच कहूँ तो बाहर का प्रेशर पानी में 3000 फीट नीचे होने जैसा है।
खैर तुम तो देख ही सकती हो कि मैं कितने प्रेशर में हूँ। सच में तुम अभी भी मजाक के मूड में हो? तुम खतरे में हो सकते हो। ओह हनी तुम चिंता मत करो, ये तो मेरे रोज का काम है। क्या तुम ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो? नहीं। अच्छा तो मैं भी खेल सकता हूँ क्या? यहाँ से चले जाओ, उस पृथ्वीवासी को मारकर चैन नहीं मिला तुम्हें। अब इसमें मेरी गलती है क्या? देखो हमें एस्ट्रोडूट पसंद था, लेकिन तुम्हारे जहरीले एटमॉस्फेयर ने उसे निगल लिया है। अगर तुम सुंदरता की देवी की तरह बनना चाहते हो तो इतना टॉक्सिक होना बंद करो। मैं सुंदरता की देवी की तरह नहीं बनना चाहता। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। नहीं तुम चिंता मत करो हनी, ये काम का हिस्सा ही है। ओ हाँ एक और बात बताओ, इससे पहले कि वो मेरी जान ले ले मैं कब तक रेडिएशन का सामना कर पाऊंगा? अब हनी कम ऑन, सिग्नल को भी अभी जाना था। ओह स्पेस से गिरे वीनस मैट के। मैं जा रहा हूँ। जाना है तो जाओ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ओके तो अब मैं फंस गया हूँ सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लैनेट पर। क्या करूँ, इस शिप को मैं कैसे रिपेयर कर सकता हूँ? सोचो सोचो। हेलो एस्ट्रो डूड, एस्ट्रो डूड। तुम बस यहाँ। अरे हाँ मैं उन मेटियोराइड से मिनरल्स इकट्ठे कर रहा था, अगर वो यहाँ पर क्रैश हुए होंगे तो मैं उन मिनरल्स की मदद से शिप को ठीक कर सकता हूँ। कंप्यूटर मेटियोराइड्स कहाँ पर लैंड हुए थे? आपकी करंट लोकेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन भेज रही हूँ। मैं आपके लिए एक सूट भी 3D प्रिंट कर रही हूँ। अब आप वेनस पर कुछ घंटे जीवित रह पाओगे। क्या बात है, थैंक यू। मेरा मतलब था मिनट्स, कुछ मिनट्स तक जीवित रह पाओगे। ओह, खैर अब कुछ मिनट ही काफी होंगे। ओह, मेरा मतलब था सेकंड। कंप्यूटर सॉरी। अरे बाप रे, बाहर तो बहुत ही गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भट्टी में हूँ, बहुत गर्म है। कुछ नहीं होगा, यहाँ से निकलने का समय आ गया है। हिम्मत रखो एस्ट्रो डूड, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। कितना अच्छा जोक था मार्स, है ना? तुम बहुत ही मजाकिया हो। ओ, हमारी दोस्ती कितनी खास है ना, टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है मुझे शायद माफी मांग लेनी चाहिए। हे दोस्तों। हे वीनस। मुझे माफ कर दो ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं एस्ट्रोडूट से टकरा गया और अब वो नहीं रहा। तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं इसे तंग आ गया, क्या तुम मुझे माफ? हे चुप हो जाओ यार। ठीक है मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है मार्स, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? ऑलराइट अभी तक सब ठीक है, मुझे लगता है मैं बच जाऊंगा, बस थोड़ी देर की बात। वो जिंदा है, एस्ट्रोडूट जिंदा है। अरे रुको वापस आ जाओ। ओके अच्छी खबर ये है कि एस्ट्रो डूड अभी भी जिंदा है। वाह ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, चमत्कारी लग रहा था। इसका मतलब तुम सब मुझसे नफरत नहीं करते। रुको एक बुरी खबर भी है, एस्ट्रो डूड का शिप बुरी तरह से टूट चुका है और कुछ अजीब से रोबोट्स उसका पीछा कर रहे हैं। ओह तो हम उसकी हेल्प कैसे करें? ठीक है शांत हो जाओ, बात करने वाले प्लैनेट्स कुछ नहीं करेंगे, भले ही मैं उनमें से एक पर ही क्यों ना हूँ। ये गुफा मुझे मीटियोराइट्स के क्रैश होने वाली जगह तक ले जाएगी, तो अगर मैं वहां तक पहुंच गया तो फिर मैं। अरे ये क्या? द वनेरो रोबोट। इसे ही नहीं सीखना। कंप्यूटर जरा बताओ ये क्या कह रहे हैं? वो रशियन में कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ। हाँ मुझे लगा ही था। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या एस्ट्रॉइड बेल्ट? हाँ ये बिल्कुल सही है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ए यहाँ क्या चल रहा है? हाय जुपिटर, हम वीनस पर कुछ एस्ट्रॉइड्स फेंकने वाले हैं। क्या अब बस भी करो गाइस,
मैं जानता हूँ कि तुम वीनस से नाराज हो, पर ऐसा मत करो। और नहीं तो क्या जुपिटर, सिर्फ आप ही समझदार हो। नहीं, हम ये सब बदला लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। एस्ट्रोड्यूड वीनस की सतह पर फंस गया है और कुछ खतरनाक रोबोट्स उसका पीछा कर रहे हैं, तो उन रोबोट्स को रोकने के लिए मेरा प्लान ये है कि हम वीनस पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स फेंकेंगे। तो ये है तुम्हारा प्लान? इस बेकार से प्लान से तुम मेरी सतह, उन रोबोट्स और यहाँ तक कि एस्ट्रोड्यूड को भी नष्ट कर दोगे। एस्ट्रोड्यूड खुद को संभाल लेगा। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, एस्ट्रोड्यूड समझदार है। आपको तो मैं सबसे समझदार समझता था। आह, सब के सब पागल हैं। वीनस, रुक जाओ। कंप्यूटर, ये सोवियत रोबोट्स मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? लगता है काफी सालों तक एसिड रेन में रहने के कारण इनके सर्किट खराब हो गए हैं। ये शॉर्ट सर्किट भी अभी होना था। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचो, फोकस। लगता है बचने का एक ही रास्ता है। रुको, ऐसा मत करो। वीनस, तुम दोनों फिर से क्यों आ गए? सुनो तो, हम तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ नहीं करेंगे। मैं परमिशन नहीं दूंगा, समझे? कम ऑन, हमें ये करना ही पड़ेगा। नहीं, ये बहाना है, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रुको मार्स, मेरे पास एक आइडिया है। वीनस, मैं सुन रहा हूँ। तुम ठीक ही कह रहे थे, आखिरकार तुम स्मार्ट जो हो, हम तुमसे बदला ही लेना चाहते थे। मैं कभी गलत होता ही नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें माफ कर दें, तो हमें तुम पर एस्ट्रॉइड फेंकने दो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम फिर से दोस्त बन पाएंगे, समझे? एस्ट्रोड्यूड जिंदा है तो तुम दोनों किस बात पर मुझसे झगड़ रहे हो? और अगर वो तुम्हारी सतह से वापस नहीं लौटा तो बात तो एक ही होगी ना। तुम दोनों सच में पागल हो गए हो। ये प्लैनेट हर समय इतना डेडली कैसे हो सकता है? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पहुंचने वाला हूं। मुझे कुछ नहीं होगा, कम ऑन, कम ऑन। अरे मेरा पीछा छोड़ो। तुम समय रहते नहीं पहुंच पाओगे। कंप्यूटर प्लीज थोड़ी पॉजिटिव बातें किया करो। हे एस्ट्रोड्यूड, संभल कर। अरे ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? अब बस बहुत हुआ। और एस्ट्रॉइड्स फेंको। समझ नहीं आ रहा पर ये एस्ट्रॉइड्स अपना काम तो कर रहे हैं। एस्ट्रोड्यूड, तुम अभी भी यहाँ से निकल सकते हो। बचाओ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। एस्ट्रोड्यूड, अब बस करो, सब बर्बाद हो गया। मेरे पास रॉकेट को ठीक करने की चीजें नहीं है। मैं बस शिप में वापस जाकर अपनी बीवी और बेटे को हमेशा के लिए गुड बाय कह के आता हूँ। तुम ऐसा कर सकते हो या रोबोट के टुकड़ों से रॉकेट ठीक कर सकते हो। एस्ट्रोड्यूड, छोटा सा थैंक यू तो बोल ही सकता था। समझो ना, अभी अभी तो उसकी जान बची है। अच्छा, तब तो हम दोस्त है ना? बेशक हम हैं, सुंदरता की देवी। मुझे लगा ये बात खत्म हो चुकी है। हैं? ये तो कभी नहीं होगा देवी जी। ओके, तो इस मिशन की अगुवाई करके काफी अच्छा लगा, लेकिन अब समय आ गया है कि हम। हेलो ह्यूस्टन, रुको। तुम जिंदा हो? हाँ, ये आसान नहीं था पर मैं जिंदा हूँ। वीनस से बाहर आ ही गया। ओह, ये तो काफी अच्छी खबर है एस्ट्रोड्यूड। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। नहीं, आप खुश नहीं हैं। ये अब तक जिंदा कैसे है? मेरा मतलब था, ये अब तक जिंदा कैसे है? वैसे ये कितनी अजीब बात है कि तुम एसिड रेन और वॉल्केनो से बनी हुई एक विशाल बॉल हो और तुम्हारा नाम सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पर रख दिया। मतलब कितनी अजीब बात है ना। ओए बस कर, बहुत हुआ। तुम सबने दिमाग खराब कर दिया। ये सुन सुन कर मेरे कान पक चुके हैं। मैं सुंदर नहीं दिखता। ए, वीनस, मेरी बात तो सुनो, मेरा मतलब ये नहीं था। ओए यूरेनस, बाकी के प्लैनेट्स मेरे नाम और मेरी सुंदरता का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या करूं मैं?
तो छल्ले लगा लो। हर खूबसूरत प्लैनेट्स के पास छल्ले हैं। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन ये छल्ले ग्रेविटी के कुचले गए मलबे से बने होते हैं और मैं उतना मजबूत नहीं। मैं सैटर्न से पूछता हूँ। अरे, ये छल्ले तो मेरे पास भी है, सुनो। ए सैटर्न, तुम काफी सुंदर हो, क्या तुम मुझे एक छल्ला उधार दे सकते हो प्लीज? तो खूबसूरती की देवी के नाम वाला प्लैनेट अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहता है। दोस्त, छल्ला दे दो। अब इतने प्यार से मांग रहे हो तो। अबे पागल हो गया है क्या? तुम हमेशा से इतने मतलबी क्यों हो? क्या यार, तुम हमेशा गुस्सा क्यों करते रहते हो? तुम्हें अपने नाम की तरह पेश आना भी सीख लेना चाहिए। बस करो। अगर किसी बेवकूफ पृथ्वीवासी ने मेरा नाम प्राचीन देवी के नाम पर रख दिया तो मेरी क्या गलती है? अपना ज्ञान अपने पास रखो, वरना लातों के भूत बातों से नहीं मानते।